ग्रहों के राजा की पदवी प्राप्त सूर्य का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन अपने पुत्र शनिदेव की राशि कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 14 मार्च 2024 के दिन बृहस्पति के दिन 2:37 से दिन में होगा और यह 13 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। सूर्य को पिता, राज्य, आत्मा, ज्ञानोदय तथा नेत्र का कारक माना जाता है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खर मास का आरंभ हो जाएगा, जिस कारण से विवाह आदि के लिए शुभ मुहूर्त का अभाव हो जाएगा और इसे खर मास का समय कहा जाएगा। यह अवधि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप आदि अनुष्ठान के लिए उत्तम होता है, परंतु विवाह, मुंडन, प्रवेश, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त का अभाव होगा। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही पहले से गोचर का ग्रह राहु के साथ युति संयोग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रहण योग का निर्माण होगा और इसीलिए सूर्य और राहु की युति से एक ग्रहण योग बनेगा जो कि सभी के लिए शुभ फल दे नहीं है, अतः आपको ध्यान देना होगा। यह जीवन के हर पक्ष में संभल कर चलने का